सो है गाइस, सो बैक विद आवर फर्स्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। ये अपना फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो भी होने वाला है, तो समझ रहा है, थोड़ा सा थोड़ा मैनेज कर लेना, उतना परफेक्ट तो नहीं होने वाला, पर अपनी साइड से फुल ट्राई करेंगे। तो लेट्स गो। इधर अपना पहले अपना वी एन ऐप खोल लीजिए, ये अपना आपका इंटरफेस होगा। फिर आपको प्लस पे प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, इधर न्यू प्रोजेक्ट पर जाइए, फिर इधर आपको जो भी वीडियो एडिट करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट। ठीक है, इधर अपना ये आ चुका है। ये देखो, पहले अपना ये हटा लेते हैं, ईवीएन का लोगो किसी काम का नहीं अपने। फिर देखो, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है तो 16:9 पे सिलेक्ट कीजिए और ऐसे अपने फिंगर से होल्ड एंड जूम करके पिंच करके जूम जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, पर अपने को अगर मैं अपना बता रहा हूँ तो फिर मैं तो शॉर्ट अपलोड करता हूँ, तो 9:16 वाला सिलेक्ट कीजिए और वीडियो अपनी आ चुकी है ऐसे। फिर पहले देखो, पहले पहले ये सारे टूल्स देख लीजिए, यही सब है, फिल्टर, इफेक्ट्स, स्पीड, ट्रिम, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये सब, ये सारे यूज़ होने वाले टूल। ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी सिंपल ऐप है, तो फिर उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सीखने में। इधर देखिए, इधर आपको क्रॉप कीजिए, पहले क्रॉप पे जाइए, 9:16 कर लेते हैं इसे, फिर फ्री, फिर इसको अपना ओवरले क्रॉप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपना ओवरले हो चुका है क्रॉप। ठीक है, अभी अपनी वीडियो आ चुकी है, इसको जितना अपने को चाहिए ना उस साइज़ का लगा देते हैं। इधर लग चुकी है, ठीक है। फिर देखो, अभी एक मेन चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखो, पहले ये देख लीजो, ये देख लीजिए, एक पहला एड म्यूज़िक है, एक टेक्स्ट है, और इधर ये है स्टॉक्स। इधर से आप मतलब जो मर्जी मर्जी डाल सकते हो। अपने को पहले इधर स्टॉक्स पे क्लिक करना है, इधर जाइए, फिर इधर जो सेम वीडियो थी ना उसे वापस डालो। ठीक है, ये मैं बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर इधर क्रॉप पे जाओ, फिर फ्री, फिर बस अपना मैं ये देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वो फेस कैम वीडियोज डालता हूँ ना शॉर्ट, तो फिर फेस कैम के साथ, सॉरी, गेम प्ले के साथ फेस कैम सिंक करने के लिए, कि वीडियो के साथ साथ फेस कैम भी साथ साथ में एडिट करते चलते हैं, सिंक करते चलते हैं, तो सही रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे लगा देते हैं। रुको, अभी इसको मैं देख लेता हूँ कैसे करना है। फिर वापस से इधर जाओ, स्टॉक्स पे ऐड करने वाले पे स्टॉक्स पे जाओ, फिर इधर ये ओवरले मैंने बना रखा है अपना, शॉर्ट्स के लिए अलग से बनाया था मैंने, ओवरले पे क्लिक कीजिए और फिर इधर बॉर्डर पे जाइए, ओवरले को एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, फिर इसको इधर लगा दो अपने गेम प्ले के नीचे। ठीक है, देखो अभी अपना ये फेस कैम लग गया और ओवरले लग गया। रुको रुको, फेस कैम थोड़ा परफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फेस कैम और ओवरले लग चुका है। ये ओवरले देखो, ये ओवरले हट जाएगा, इसको लास्ट में वापस लगा देंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको क्या अरे करना है, ये वीडियो प्ले हो रही है, नहीं वीडियो प्ले नहीं करनी, रुको। अभी आपको सबसे पहले जो भी आपका यूजलेस चीज़ है ना, मतलब ये उतना दिखाने लायक नहीं है, उसको पहले क्रॉप कर लेते हैं। पहले मतलब पहले एक रफ टाइप ले लेते हैं कि ये सब चाहिए और ये सब जो नीचे है उसको पहले ही क्रॉप कर लेते हैं। देखो ये नीचे है, इसको देखो, पहले इसको स्प्लिट करो, देखो वापस दिखाता हूँ, देखिए इधर से चाहिए। देखो इधर आ गए हम, अपना ये दिख रहा होगा, लाइन दिख रही होगी उधर, मतलब आप रुके हुए हो। इधर स्प्लिट पे जाओ, स्प्लिट हो गई। ठीक है, फिर देखो ये दो, उसमें दो पार्ट्स में वो हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। फिर पहले वाला रुको, पहले पहले अपना फेस कैम भी इधर करो, इसको भी स्प्लिट करो सेम जगह पे। फिर ये पहले वाले को डिलीट कर दो। ठीक है, फिर अपना वो पहले का हट चुका है, जो भी यूजलेस चीज़ था अपने को नहीं चाहिए था। रुको, ठीक है, अब ये देखो, अभी ये दोनों सिंक पे ही है। पहले इसकी वॉल्यूम ज़ीरो, इस वाली की वॉल्यूम ज़ीरो कर देते हैं, एक की रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, दो होगा तो थोड़ा पीटी होगा। ठीक है, अभी ये सब हो चुका है, अभी रुको, अभी इधर भी लास्ट की फाइट, बंदे मरने से पहले, मरने के बाद क्रॉप कर देते हैं। इधर अपना लास्ट, एक सेकंड को, इधर अपना लास्ट टाइम फिनिश हो गया। इधर स्प्लिट करो, इधर भी इसको स्प्लिट करो, ऊपर वाले फेस कैम को भी, ओह शिट सॉरी, हाँ फेस कैम को भी स्प्लिट किया, फिर डिलीट। ठीक है, अभी देखो अपना ये रफ बन चुका है अपना, मतलब इसी को अपने को एडिट करना है मेन, यही सारे यही पार्ट है पूरा एक। ठीक है, फिर अभी म्यूज़िक ऐड कर दो यहाँ पे, म्यूज़िक ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, यूट्यूब से आपको जो भी म्यूज़िक चाहिए, बस जो भी चाहिए उसको डाउनलोड करो और फिर इधर एक्सपोर्ट कर दो इधर वीएन में। ठीक है,
अरे इधर शुरू में दिख क्यों नहीं रहा, छोड़ो। इधर आपको पहले मोशन डाल दो, इधर फेड ठीक है, और अपनी वीडियो पे भी फेड डाल दो ब्लैक ठीक है। देखो फिर ऐसा लगा स्टार्ट पे। देखो इधर तक अपनी फाइट हुई है, इधर इसके बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा। देखो अभी ये डालने से पहले आपको दिखाता हूँ, देखो इधर बहुत देर तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर इधर से स्प्लिट कर देते हैं। तो बोरिंग है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो फिर जो नहीं चाहिए उसको पहले स्प्लिट कर देते हैं। देखो इधर तक है, इसको एक स्प्लिट मारो और ये ऊपर वाले को भी स्प्लिट मारो, अपना जो फेस कैम था और इधर एक फिल डाल दो। इधर एक जूम इफेक्ट डाल दिया हमने ना, और फिर उसके बाद देखो इधर, देखो बंदा आ रहा था, इधर की फाइट थोड़ी सी दिखा देता हूँ। इधर स्प्लिट करते हैं, फिर इधर भी एक स्प्लिट करते हैं, फिर इधर डिलीट ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, हाँ इधर जब गन आई थी ना इधर का रखते हैं, स्प्लिट इधर भी स्प्लिट ऊपर वाला। अगर आपको फेस कैम नहीं डालना ना तो बहुत इजी है, मैं मतलब फेस कैम के साथ करता हूँ तो दोनों को सिंक करके करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। शिट शिट, मतलब अगर आपको थोड़ा सा सिंक करके वीडियो बनानी है ना ऑडियो के साथ, तो फेस कैम और वीडियो दोनों को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप बस नॉर्मल वीडियो बनाते हो तो बहुत इजी है, आप समझ जाओगे इससे ट्यूटोरियल से। देखो इसका टाइम थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं, 8 सेकंड डाल देते हैं ठीक है। देखो इधर एक बीट ड्रॉप हुई है, रुको पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले अपना फिल्टर चेंज करते हैं। मतलब पहले से तो कलरफुल ही है, मतलब आप नॉर्मल रिकॉर्ड करोगे तो नहीं रहेगा, ये तो मैंने लाइव स्ट्रीम से उठाई है तो मेरा कलरफुल ही रहता है, मतलब उसमें पहले से कलर ग्रेडिंग रहती है, पर फिर भी थोड़ा ऊपर से कर देते हैं। देखो एक्सपोजर तो मैं डालता नहीं हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो, देखो इससे ऐसा होता है, ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ा सकते हो इससे आप, मतलब एक्सपोजर समझ जाओ। चलो डाल देते हैं थोड़ा सा, 2 एक्सपोजर डाल दिया, कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट 10 10 डाल देते हैं, मतलब ये अपने हिसाब से डाल देते हो, मैं भी अपने हर वीडियो में अलग अलग डालता हूँ वीडियो के हिसाब से। देखो ब्राइटनेस 12 रख देते हैं, सैचुरेशन गाइस इसे कॉपी मत करना, मैं तो मतलब ये प्रेफर ही करूँगा, आप सेम ग्राफिक्स पे भी खेलते हो तो भी कॉपी करना अच्छा नहीं रहेगा आपको, मतलब खुद ही हर वीडियो में खुद ही ट्राई करोगे तो बेस्ट रहेगा। मैं भी करता हूँ, मेरी हर वीडियो में अलग अलग रहता है, अगर आप देखोगे तो, मतलब ऐसी वीडियो देखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये सही लग रहा है, इधर ग्रास का कलर, ये करेक्टर वगैरह सब कुछ जहाँ पे बेस्ट लगे ना वहाँ पे आप बस छोड़ दो ठीक है। इतना हो गया, फिर विग्नेट डाल देते हैं थोड़ा, विग्नेटी जो भी है भाई, ये विग्नेट विग्नेटी छोड़ो, ये थोड़ा 5 डाल देते हैं, ये ज़्यादा डाल देते हैं, रुको इसको 8 डाल देते हैं। शार्पन, शार्पन से देखो शार्प हो जाती है वीडियो, इसको ओवर मत करना वरना देखो फटने लगेगी, वो गंदी लगेगी बहुत ज़्यादा। इसको भी मतलब जितना बेस्ट है यार आपको खुद ही देखना पड़ेगा यार, जब खुद एडिट करोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितना बेस्ट है ठीक है। इधर शार्पन पे गए, शार्पन इतना काफ़ी लग रहा है मुझे, 23 पता नहीं वहाँ पे शार्पन के आगे जब था ना वहाँ पे आवाज़ ही चली गई थी, रुको रुको पता नहीं कुछ बीटी था, हाँ ठीक है शार्पन 23 हो गया अपना ठीक है। फिर इधर हाइलाइट्स पे जाओ, हाइलाइट्स नहीं इतना नहीं, मतलब देख लो अपने हिसाब से, इसको भी हाइलाइट्स अपन रख लेते हैं 8 10, फिर इसको अप्लाई टू ऑल कर दो ठीक है। देखो एक सेकंड को आवाज़ आ रही है ना मेरी, हाँ ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद आपको करना है, देखो अभी मैं पहले आपको चेंजेस दिखा देता हूँ कि अभी हमने फ़िल्टर डाला तो कितना चेंज है, अभी ऐसा है, विदाउट फिल्टर ऐसा था, मतलब मेरा तो पहले से कलर ग्रेडिंग था यार तो फिर उतना उतना ज़्यादा भी नहीं है, पर आप जब नॉर्मल रिकॉर्ड करके अगर खेल रहे हो ना गेम प्ले वीडियो, मतलब सीधा बीच में से रिकॉर्ड करके डाल रहे हो तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। देखो अपना ऐसे से ऐसा हो गया ठीक है, देखो अभी अपना ये सब हो चुका है, अभी मेन एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब सिंक जो गाने से करना है। देखो इधर एक बीट ड्रॉप है, तो फिर रुको इधर हम एक वो डाल देते हैं,
को इधर स्प्लिट करो, ठीक है, फिर इसको भी स्प्लिट कर दे, नहीं इसको रहने देते, स्प्लिट करो और फिर इधर एक इफेक्ट डाल दो। देखो मैंने एक वाइट वो डाल दिया, वाइट, रुको पहले इसकी आवाज़ थोड़ी कम छोड़ रहने दो, मैंने वाइट ट्रांजिशन डाल दी, अभी देखो कैसा लगा, ठीक है, अभी थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो फिर अभी मतलब देखो अभी थोड़ा उस वैसा हो गया ना, थोड़ा सिंक टाइप लग रहा है। अगर मैं इसको देखो अभी हीलिंग है तो बहुत ज़्यादा वो लग गया, इधर तक मैं क्रॉप कर देता हूँ, रुको, स्प्लिट स्प्लिट। पिछली बार मैंने कैसी वीडियो बनाई थी यार, सेम तो मुझे याद नहीं, पर अभी अपने हिसाब से बना रहा हूँ आपके सामने लाइव, तो इसको डिलीट करते हैं। रुको इसको थोड़ा सा पहले कर देते हैं, एक सेकंड एक सेकंड रुको, अगर हम सॉन्ग रुको यार थोड़ा सा, एक सेकंड मैंने बहुत गलती कर दी, इसको बैक करो। देखो अभी आपको ये राइट में दिख रहा होगा, राइट बॉटम, इधर जूम दिख रहा है ना, जूम के नीचे, या तो फॉरवर्ड या तो बैक, तो उसको रुको थोड़ा थोड़ा बैक कर लेते हैं अगर मिस्टेक्स होती हैं। देखो एक सेकंड, देखो इधर अपने ने ये किया, ठीक है, अपने ने फिल्टर डाल रखा है, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करोगे ना, तो देखो अगर हम इसके साथ इसको भी थोड़ा विग्निटी डाल देना तो अच्छा लगेगा। देखो इधर 65 डाल दे, 60 डाल देते हो, चलो 60, अप्लाई टू ऑल मत करना वरना सारे क्लिप पे लग जाएगा, बस डन कर दो। देखो अभी पर ये बहुत लंबी हो चुकी है, इसके बाद एक और वो डालते हैं, मतलब हीलिंग का टाइम बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो को। इधर तक डाल देता हूँ, स्प्लिट स्प्लिट किधर गया, स्प्लिट, ठीक है, ऊपर वाला भी स्प्लिट, ओके, रुको पहले यार ये थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम कर दिया, इसको सीधा आगे कर देते हैं, साइज पूरा फाइट तक, ठीक है, ये हो चुका है, अभी देखो ये कैसा था, रुको, नहीं नहीं इसे थोड़ा सा और करते हैं आगे, क्रॉप, ठीक है, स्प्लिट, ऊपर वाला भी स्प्लिट, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करते हो यार, मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, अभी थोड़ा फास्ट फास्ट, देखो इधर मैंने ये बंदा मार दिया, अभी अपने जो विग्निटी डाला है ना उसको हटाते हैं, ठीक है, देखो इधर एक स्प्लिट डालो, फिर इधर ऊपर वाले को भी एक स्प्लिट डाल देते हैं सिंक करने के लिए वीडियो के साथ, इधर भी वाइट डाल दो, ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इधर बंदा मरा है, एक स्प्लिट, अभी पहले ठीक है, इधर बंदा मर गया, अभी फिल्टर पे जाओ, ये जो अपने ने विग्निटी डाला था इसको हटा देते हैं, एट एट था ना पहले, ठीक है, पहले जितना था सेम उतना रख देते हैं, देखो इधर अपना वो हो चुका है, बंदे तो मर ही चुके हैं, फाइट खत्म हो चुकी है, एक लास्ट बंदा बचा, अगर इसकी फाइट डाली तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, पता तो आपको हो गई ना शॉर्ट्स के, तो वही है मतलब मैक्सिमम लिमिट ही 1 मिनट की है, तो क्रॉप तो करना पड़ेगा, रुको यही होता है मतलब शॉर्ट्स 1 ही मिनट डाल सकते हैं ना यार, तो क्रॉप करना पड़ता है,
लास्ट फाइट मतलब पूरा नहीं दिखा सकते, जिसने लाइव पे देखा होगा उसको पता होगा यार कितना इंटेंस था ये एक ला ये 1v4। मेरे को अभी लास्ट बंदे का फाइट थोड़ा छोटा कर देते हैं, जो मेन फाइट है बस वो दिखाते हैं। इधर स्प्लिट किया, इसको भी स्प्लिट किया और इधर डिलीट। अभी देखते हैं कैसे, इधर जूम इफेक्ट डाल देते हैं। ओ एक सेकंड, मैंने गलत चीज़ क्रॉप कर दी। एक सेकंड, बैक बैक बैक, इधर अपनी फाइट थी, इधर एक बंदा मारा था अपने ने। रुको रुको वापस करते हैं, इधर ये बंदा मारा, ठीक है। अभी इधर इसको क्रॉप करते हैं, स्प्लिट, फिर ऊपर वाले को भी स्प्लिट। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, हाँ चल छोड़ो, ये स्प्लिट मार देते हैं, ये वाला बीच वाला भी स्प्लिट मारते हैं। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है इतना सही है। अभी इधर बीच जूम डालते हैं वापस, ठीक है ये हो चुका है। देखो अभी ये बंदा मर गया, ठीक है। अभी स्प्लिट करते हैं, इधर भी स्प्लिट और डिलीट। और इधर देखो एक ऐड करो, इधर ऐड दिख रहा होगा ना, इधर ऐड करो, स्टॉक्स पे जाओ और एक ही डाल दो ब्लैक, पूरा ब्लैक ऐसी। और इधर भी एक जूम डाल दो, ठीक है। अभी इसको काटो, ठीक है अभी हो चुका है। इधर अभी देखो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था म्यूजिक टेक्स्ट और एक ही है स्टॉक्स, ऐड करने का मतलब जो मर्जी आपको। इधर टाइटल पे जाओ टेक्स्ट पे, और इधर अपना लास्ट में नाम लिख सकते हो मेरी तरह। देखो मैं तो नाम ही लिखता हूँ यूजुअली, तो इधर नाम डालते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। और मोशन टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे तो इधर देखो एडिट मोशन की फ्रेम ये सब होगा। मोशन डालो, फेड इन एनिमेशन में और आउट में फेड, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो ऐसा बन चुका है। अभी अपनी मतलब एक तरीके से वीडियो तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी है, कुछ वैसा मेन बचा नहीं है। हाँ अभी देखो अपना एक स्टार्ट का मेन चीज़ तो भूल गए ना, इधर ओवरले डाल देते अपना, ठीक है। जो स्टार्ट में अपना हट गया था ओवरले डाला, फिर इधर बॉर्डर होगा, बॉर्डर पर क्लिक करो और एक बॉर्डर डाल दो, वन मैं तो एक डाल दो तो डाल सकते हो। और फिर इसे ऐसे केयरफुली लगा दिया, ठीक है। इसे भी मोशन पे जाओ, इन एनिमेशन में फीड कर दो। अभी देखो कैसे स्टार्ट होता है। एक बार वीडियो देख लेते हैं पूरा वापस से, अगर कोई भी चेंज होता है ना तो मैं एडिट करता हूँ। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं करता कैसे, तो ऐसे ही करता हूँ मैं कोई भी। देखो अभी वीडियो बन गई है, तो अगर कुछ भी लगता है कि इधर होना चाहिए तो देख के एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। तो अभी बस एक बार देख लेते हैं। देखो इधर थोड़ा हवा टाइप था, रुको मतलब वो इफेक्ट्स होते हैं ना, मतलब म्यूजिक में इफेक्ट्स। देखो इधर देखो, इधर था, देखो इधर था, तो इधर एक वो डाल देता हूँ मैं जल्दी से, एक स्प्लिट, स्प्लिट डाला और फिर एक ये बस ऐसे एक वो डाल देते हैं 3 सेकंड का। थोड़ा सिंगल, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें डालोगे ना तो फिर जो आपका म्यूजिक है उसके साथ सिंग करोगे तो अच्छी लगेगी। अभी ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है। अभी देखो आपने अगर नोटिस किया हो, इसके बाद देखो अपना ओवरले खत्म हो गया था, 30 सेकंड का ये ना, तो इसको एक बार बस डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट करते हैं और फिर थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको इधर लगा दो, ठीक है। इधर लग गया,
इन एनिमेशन डन कर देते हैं। अभी देखो अभी परफेक्ट है। अभी देखो वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, अभी ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही रेडी है। अभी देखो मैं भी जो एक चीज़ करता हूँ, मैं टेक्स्ट डालता हूँ कि स्टार्ट में मैं वॉइस ओवर नहीं करता हूँ ना शॉर्ट्स में, तो फिर टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं। आपको डालना तो आप डाल सकते हो। देखो जैसे ऐसे डाल दिया, फुल स्क्वायर्ड इन माय फ्रंट, ठीक है। और इसके बाद इधर फॉन्ट पे जाओ, फॉन्ट पे जाके अमेरिका फॉन्ट, मतलब आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप सर्च करो आपको मिल जाएंगे। फिर इधर वी एन में एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। इधर फ्रंट नहीं, ये थोड़ा गलत है, ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है। देखो अभी एडिट पे जाओ और फिर इधर कलर दिख रहा होगा आपको एफ एक्स के, इधर ई एफ एफ एक्स ही होगा। देखो इधर शेडो पे जाओ और एक सेकंड ब्लैक सेलेक्ट कर रखो और ओपेसिटी फुल, ब्लर फुल। अभी देखो ऐसा दिख रहा है फॉन्ट अपना। इधर फेड कर दो, आउट एनिमेशन भी फेड ही कर देते हैं। देखो इसको स्टार्ट में डाल देते हैं सबके साथ, ऑलमोस्ट स्टार्ट, पूरा नहीं, अभी देखते हैं। ऐसे जूम कर सकते हो थोड़ा, अगर आपको एकदम एकदम छोटी छोटी चीज़ें एडिट करनी है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं छोटी चीज़ अगर एडिट करनी है एकदम, वर्ड भूल गया, छोड़ो मैं छोड़ो इतना नहीं, सही है। हाँ मैं बोल रहा था छोटी छोटी डिटेल्स के साथ एडिट करना है ना, तो ऐसे मतलब जूम कर सकते हो, ऐसे जूम करके आपको मतलब थोड़ा बेटर आपको आइडिया मिल जाएगा कि इधर ये है। देखो आप वॉइस में भी ये सब देख सकते हो, म्यूज़िक में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो जहाँ पे अगर बीट बढ़ेगी तो समझ जाओगे, देखो इधर इंक्रीज़ हो रही है, इधर इधर इधर, फिर कहीं पे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होगी उनको। हाँ देखो इधर एकदम इधर बहुत ज़्यादा है ना, तो इधर मतलब बीट ड्रॉप टाइप आ रहा है, समझ जाओ। देखो इधर आ रहा है ना, ऐसे होता है, मतलब आप ऐप यूज़ करोगे ना आपको धीरे धीरे पूरा आइडिया हो जाएगा। देखो इधर मैंने फुल स्क्वायर इन माय फ्रंट डाल दिया, अभी ऑलमोस्ट फुल रेडी है अभी वीडियो, अभी कुछ वैसा बचा नहीं है। आप चाहो तो और टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग बेटर कर सकते हो, और बाकी तो उतना काफ़ी है। बस यही था यार, यही था अपना जो भी तुम बोलते हो एडिटिंग ट्यूटोरियल, यही सब था, ऐसे ही करता हूँ मैं एडिट, ठीक है। गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अगर आप न्यू VN यूज़र हो, मतलब आपने पहली बारी वीडियो एडिटिंग ऐप मोबाइल वाली यूज़ किया, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर आ जाएगा, बहुत ईजी होता है। देखो मैंने आपको बेसिक्स तो बता ही दिया कि किस टूल से क्या होता है, कहाँ पे आपको स्प्लिट करना है, कहाँ पे आपको वो करना है, सिंक करना है कैसे, तो बस ऐसे ही आप धीरे धीरे करोगे ना आपको आ जाएगा समझ, ईजी है। तो चलो अभी वीडियो तो अपनी रेडी है, अभी लास्ट चीज़ रहती है एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टॉप पे ये ब्लू आइकन दिख रहा होगा, राइट टॉप पे देखो ब्लू, इस पर क्लिक करो, फिर आपका ये खुल के आ जाएगा। ऑटो नहीं, मैनुअल पे जाना, ठीक है। अगर ऑटो सिलेक्टेड रहेगा मैनुअल पे जाओ, रिजोल्यूशन अपना 4K करो, FPS 60 और बिटरेट मैक्स कर लो, ठीक है, सब कुछ मैक्स कर लो यार। अगर आप नीचे करोगे ना तो आपका क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा यार, क्वालिटी डाउन हो जाएगी बहुत। सब कुछ मैक्स कर लो, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट कर लो सिंपली। इसमें कम से कम आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट लगे यार, मैक्स टू मैक्स 15 लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वो आपके साइज़ पे वीडियो साइज़ पे डिपेंड करता है वैसे तो, ठीक है। बस यही था यार, अपनी वीडियो रेडी है, ऐसा आप ईजी बना सकते हो, उतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो गाइस यही थी अपनी एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि तुम में से बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट करते ही रहते थे कि ज़िल्ड्रक्स भाई प्लीज़ ले आओ ले आओ, तो फाइनली आ चुके यार, अभी इन्जॉय करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी आर, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।